वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट नो फेल शामी कबाब बनाएंगे फॉर बिगनर्स, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो इसे मैं झटपट बनाऊंगी और मेरे इलेक्ट्रॉनिक कुकर में बनाऊंगी। अगर आपको देखना है कि पतीले में कैसे बनाते हैं तो मैं उसका लिंक क्या देती हूँ, मैंने पतीले में भी बनाई है। तो यहाँ देखिए हमारे पास लेग पीस है मटन का, जिसमें बोन है थोड़ी थोड़ी और इतने बड़े बड़े पीसेस हैं। तो इसको हम अपने कुकर में डाल देंगे। तो ये 2 पाउंड था यानी 1 किलो के आसपास, और अब इसमें हम डाल देंगे 2 कप भर के चने की दाल जो कि मैंने 2 घंटे पहले भिगो दी थी। तो ये है अराउंड 1/2 किलो के आसपास। तो बेसिकली जितना गोश्त लेना है उससे आधी या आधी से थोड़ी कम या आधी से थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन आधे के करीब दाल लेनी है। तो मेरी ऑलमोस्ट आधी ही है। और अब इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून नमक, साथ ही इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून लेवल्ड हरी मिर्चों का पेस्ट, और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। ये बिगनर्स के लिए है, बड़ा सिंपल वे भी है तो बड़ा इजी सा है। तो अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 20 दाने सूखी लाल मिर्च के गोल गोल, ये इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून काला ज़ीरा है यानी शाह ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, 2 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून हल्दी। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और साथ ही इसमें हम पानी डाल देंगे 2 कप। अब आपके प्रेशर कुकर पे डिपेंड है, अगर ज़्यादा पानी लेता है तो थोड़ा ज़्यादा ले ले, लेकिन शामी कबाब बनाने के लिए पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि भाई दालें और गोश्त गल जाए। तो इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं और अब इसे हम कवर कर देंगे और प्रेशर कुक का मोड ऑन करेंगे। तो मैंने 20 मिनट्स पे किया है और अब स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली प्रेशर डेवलप होने के 20 मिनट के बाद हम मिलते हैं। देखिए हमारा प्रेशर डाउन हुए हुए 8 मिनट हो गई है, तो चले वेंट करते हैं। चले खोलते हैं। इस पॉइंट पर हमें देखना है कि हमारी दालें कितनी गल गई है। ये देखने से ही लग रहा है कि सारी साबुत भी है और गली भी है। तो उठा के बस ऐसा चेक करना है कि ये दबाएंगे और ये अच्छे से मसल जाए, लेकिन खड़ी खड़ी सब दिखनी चाहिए। और गोश्त डेफिनेटली, गोश्त भी गल गया है हमारा, बूटियाँ ये टूट रही है, ये देखें इस तरह से टेंडर हो गई है, लेकिन कोई भी ओवर नहीं हो गया है, कोई भी अंडर भी नहीं है, और मॉइस्चर जो है वो बस बहुत थोड़ा सा है। तो इस पॉइंट पर अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं या कुकर में, तो उसका हम चूल्हा ऑन कर देंगे और पानी को थोड़ा सा एवेपोरेट कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कर देंगे। और जितना पानी नज़र आता है ना दालों के साथ, इतना एंड में रहता नहीं है। अगर आप बहुत ड्राई कर देंगे तो क्या वो पानी जो है ठंडा होने के बाद और भी मतलब दालें पी लेगी और भी गाढ़ा हो जाएगा। तब हमें बहुत लिमिटेड तरीके से उसको रखना है ताकि कबाब मॉइस्ट भी बने और ड्राई भी ना हो और टूटे भी नहीं। तो बस अब भूनते जाएंगे। इस तरह क्या है कि दालें और गोश्त और भी सॉफ्ट होता जाएगा और दालें भुन भुन के पिसती भी जाएगी। देखिए दालें कितनी अच्छे से घुट गई हैं, मशीन का काम भुनाई ने कर दिया है। अब इस पॉइंट पर हम चूल्हे को करते हैं बंद और इसको हटा देते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। मिलते हैं इसके ठंडा होने पे, थोड़ा सा नीम गर्म चाहिए लेकिन ठंडा ही चाहिए।
तो यहाँ देखें नीम गरम रह गया है, हमारा मेज़ा सही हो गया है बिल्कुल, थोड़ा ठंडा। तो अब इसे निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसमें से हड्डी सेपरेट करनी है ना। ठंडा होने के बाद कुछ ऐसा हो गया है नीम गरम में, खुशबुएं शानदार आ रही है। अब ग्लव्स पहन लेते हैं। अगर आपका बोनलेस है तब तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हमारी बोन्स जो है वो सेपरेट हो गई है और इसको हम फूड प्रोसेसर में डालते हैं पीसने के लिए। जितनी आपके फूड प्रोसेसर में गुंजाइश हो इतना डाल दें। मैं दो बैच में कर लूंगी। ये हो गया। तो ये देखा बोटी जब श्रेड हुई तो ये इस तरह से सख्त हो गया क्योंकि बोटी बड़ी बड़ी थी तो उसका रेशा जब टूटेगा तो उसको भी मॉइस्चर चाहिए। तो बहुत ड्राई भी नहीं कर देना है और बहुत गीला भी नहीं रखना है। अब ये जो आधा बचा हुआ है ये भी ले लेते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब इसमें हम फ्रेश सब्जियां डाल देंगे जो कि कुछ यूं है कि एक अनियन ली थी मैंने जो कि मीडियम साइज की थी जिसको चॉप कर दिया ऑमलेट कट। ये 3-4 टेबलस्पून के आसपास पुदीना है, एक बिग हैंडफुल हरा धनिया है, 2 हरी मिर्चें जिसको बारीक बारीक डाइस कर लिया है। तो ये सब डाल देंगे इसमें। इन सबको बड़े अच्छे से मिला लेंगे। आहा क्या शानदार खुशबू आ रही है पुदीने की। और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो डबल रोटी की स्लाइसेस को ग्राइंड कर लें और साथ ही इसमें हम डालेंगे अंडे। तो 2 अंडे डाल देंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब इसे हम 5-10 मिनट के लिए अगर आप चाहें तो फ्रिज में रख दें और चाहे तो इसी तरह रहने दें। तो इस तरह ये सेटल हो जाएगा। 5-10 मिनट में मिलते हैं। देखिए 5-10 मिनट हो गई है। यहाँ मैंने एक पैन भी रख दिया है जिसका चूल्हा बिल्कुल लो पे रखा हुआ है। तो अब एक चम्मच लेंगे, जिस तरह की साइज़ का आपको बनाना हो वो आप बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ डिसाइड कर लेंगे तो वो सेम साइज़ की बनेगी। तो उसको थोड़ा सा ये देखें ऑयल वाला यूं कर रहे हैं और उसके बाद ये एक ले और इसको इस तरह से बना ले। और अगर इजी वे चाहिए इससे भी ज़्यादा इजी वे बनाने का तो मैं आपको अब ये जो नेक्स्ट कबाब बनाऊंगी ना वो आपको बताऊंगी कि क्या इजी वे है। तो यहाँ हम तेल डाल देते हैं। कबाब को 3-4 तरह से फ्राई किया जा सकता है, बिल्कुल एकदम सेकाई की तरह भी, अगर आप चाहें तो शैलो फ्राई भी, डीप फ्राई भी, लेकिन मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ कि ना 3 में ना 13 में, बस थोड़ा सा डालती हूँ इस तरह का, बहुत कम भी नहीं है बहुत ज़्यादा भी नहीं, अराउंड 4-5 टेबलस्पून के आसपास। और ये अंडे में डिप करेंगे इस तरह से।
चौथाई डाल देंगे। और अगर आप चाहें तो बिना अंडे के भी बना सकते हैं ऊपर लगाए बगैर, क्योंकि बाइंडिंग तो हमने दी है। अब ये दूसरा लेंगे जैसे यही सेम साइज का बॉल, और इसको आप बॉल बनाएंगे, इसकी कबाब नहीं बनाएंगे। अब बॉल बनाने के बाद हम इसे डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में और इसको रोल कर देंगे ब्रेड क्रम्स में। जिनको लगता है ना कि हमारी कबाब नहीं बनती है या बनाना नहीं आता है, तो उसके लिए ये बेस्ट तरीका है कि ये बॉल को इस तरह से रोल किया और फिर इसको यूँ कर लिया। देखें 2 सेकंड में ये बन गई। और अब चाहे तो अंडे में डिप करें, चाहे तो नहीं करें, आपकी मर्जी है, मैं कर रही हूँ। तो बस इसी तरह से बना बना के डालते जाएंगे। ये कबाब ना तो टूटेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि जो अक्सर शिकायतें होती है कि ड्राई हो गए, ये कबाब ड्राई भी नहीं बनेंगे, क्योंकि आमेज़ा हमारा बहुत मीडियम है और फिर हमने उसमें ब्रेड भी डाला है, अंडे भी डाले हैं, तो टूटने का सवाल ही नहीं है। और मॉइस्चर जो नहीं होता है ना जिन आमेज़े में, वो बहुत ड्राई बनते हैं, तो मॉइस्चर थोड़ा होना ज़रूरी है। फ्लेम हमारी मीडियम लो है, 3-4 मिनट ईच साइड फ्राई करेंगे। चले पलट के देखते हैं, ये जो पहली डाली थी वो। और ये ब्रेड क्रम्स वाली है। और ये बकरे ईद के लिए बेस्ट है शामी कबाब बनाना, इसलिए कि ढेर सारा जो एक्स्ट्रा गोश्त जो आ जाता है ना, वो बना के, और इस तरह से आप जैसे तलना ज़रूरी नहीं है, फ्रीज़ कर दें, थोड़ी सी जितनी खानी हो खा लें, तो इस तरह से जो गोश्त सेव करने का ये बेस्ट वे भी हो जाएगा, क्योंकि कबाब तो हर वक्त हर जगह हर एक को पसंद आती है। अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर हो जब तक फ्राई करेंगे। निकालना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर लेते हैं। और यहां देखिए मेरे पास एक बर्तन है, उसमें मैं बना के डाल देती हूँ कच्चे कबाब, ताकि फ्यूचर में फ्राई करके खाने में काम आए। तो अब इसे कवर करके हम फ्रीजर में रख देंगे, जब दिल चाहा निकाल के फ्राई करके खाएंगे। तो देखा कैसे झटपट हमारी ढेर सारी कबाब बन गई। अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। सबसे पहले चटनी, और चटनी की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक क्या देती हूँ, मैंने बनाई है, बड़ी शानदार सी है, इजी सी है। तो ये चटनी ले लेते हैं। तबंग है, ख़तरनाक है, आपने देखा मॉइस्ट है। तो प्रॉब्लम यही होता है कि इतनी ड्राई हो जाती है कबाब, क्रैक होने लग जाती है, बड़ी रूखी सी लगती है। तब आप बनाएं जिस तरह से मैंने बताया है, इतना ही रखें,
चने की दाल हमेशा रह रह के वो थिक होती ही जाती है, और चूँकि दाल की क्वांटिटी अच्छी खासी है तब हमें इसे बहुत ड्राई नहीं करना है, अदरवाइज़ कबाब जो है बड़े ख़राब लगेंगे। लेकिन बिलफर्ज़ जैसे हमने रखा, जितनी सॉफ्टनेस फ्रिज में रखने से और भी सख्त हो जाती है। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है फ्रिज में रख दें आधा घंटा, चाहे तो जैसे मैंने आधा कप ब्रेड क्रम्स डाला है आप एक कप भी डाल सकते हैं, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, ना टूटेंगे ना ड्राई लगेंगे और मज़ेदार और ख़तरनाक से लगेंगे। तो ये आप लोग के लिए। ख़तरनाक है, हाँ बनता है और छोड़ना तो बनता ही नहीं है ये पूरा खा जाना बनता है। माइंड ब्लोइंग टेस्ट भी इतना ख़तरनाक है, आप बनाएंगे तो पागल चागल हो जाएंगे। और छोटी बनाएं, छोटी बनाने से इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है, डीप की इतनी बड़ी शेप ये हुआ वो हुआ कोई ख़ास करने की ज़रूरत ही नहीं है, बनाएंगे उससे पहले बन जाएगा। तो चले जल्दी जल्दी जाएँ बनाएँ, खूब मज़े करें, मज़े करवाएँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।